हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन के बारे में। हाँ जी, वो सेक्शन है सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो बात करता है टैक्स ऑडिट की लिमिट के बारे में। हाँ जी, टैक्स ऑडिट की लिमिट के बारे में जो बात करता है। अभी बजट 2021 में, फाइनेंस एक्ट 2021 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो इस सेक्शन में आई थी, जहां पे टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ा के कर दी गई थी 10 करोड़ रुपए। हाँ जी, अभी टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ रुपए है, बट यहां पे हमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये 10 करोड़ की लिमिट जो है ये सारे असेसीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। वैसे तो जो जनरल ऑडिट की लिमिट है वो है 1 करोड़ रुपये बिजनेस के लिए और 50 लाख रुपये एक प्रोफेशनल के लिए। तो यहाँ पे जो 10 करोड़ की लिमिट की गई है सेक्शन 44AB में, फाइनेंस एक्ट 2021 में, ये सारे कैटेगरी ऑफ असेसीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। ये कुछ ही कैटेगरीज ऑफ असेसीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे इस कैटेगरी ऑफ असेसीज को, जिनको इस 10 करोड़ की टैक्स ऑडिट लिमिट का बेनिफिट लेना होता है, कुछ कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करनी होती है। इन कंडीशंस की बात अभी हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन 44AB का वो वाला पार्ट जो बात करता है इन्हांस्ड टैक्स ऑडिट लिमिट की, दैट इज ₹10 करोड़। सबसे पहले तो ये कौन से ईयर पे एप्लीकेबल होता है? ये पहली बार 10 करोड़ की ऑडिट लिमिट जो है वो एप्लीकेबल होती है असेसमेंट ईयर 2021-22 पे। इसके पहले ये 10 करोड़ की लिमिट जो थी वो 5 करोड़ थी। बजट 2021, फाइनेंस एक्ट 2021 में इस लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़, जस्ट डबल 10 करोड़ कर दिया गया था। तो ये असेसमेंट ईयर 2021-22 में फर्स्ट टाइम 10 करोड़ की जो ऑडिट लिमिट है वो एप्लीकेबल होती है। मतलब कि प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो है ये ऑडिट लिमिट 10 करोड़ की एप्लीकेबल हो जाती है। बट यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करनी होती हैं। ये कंडीशंस जो है वो है कि अगर आपने जो आपके कैश पेमेंट्स हैं, जो आपके पेमेंट्स हैं स्पेशली कैश पेमेंट्स हैं, वो आपके टोटल पेमेंट से 5%, वो आपके टोटल पेमेंट से कैश पेमेंट जो है वो 5% ऑफ टोटल कैश पेमेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सेम इज़ द केस विद रिसीट्स, जो आपकी कैश रिसीट्स है वो रिसीट्स भी 5% ऑफ टोटल रिसीट से ज़्यादा आपकी रिसीट्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये 5% का जो सीलिंग है कैश पेमेंट्स और कैश रिसीट्स पे, अगर आप ये मेंटेन कर पाते हैं तो ही आपके लिए टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो 10 करोड़ मानी जाएगी। अदरवाइज़ जो है वो 1 करोड़ की लिमिट आपके ऊपर जो एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आप इस 10 करोड़ की टैक्स ऑडिट लिमिट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अपने कैश पेमेंट्स और कैश रिसीट्स के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। सो यू नीड टू डिज़ाइन योर पेमेंट्स एंड रिसीट सिस्टम्स इन दैट मैनर फ्रॉम डे वन, सो दैट यू कैन एबल टू मॉनिटर दैट। और अगर आप कोई भी कैश पेमेंट करें या फिर कोई भी कैश रिसीट अपने कस्टमर से लें, तो इस 5% ऑफ टोटल रिसीट, टोटल पेमेंट की जो सीलिंग है, जो लिमिट है, इसका विशेष तौर से आप ध्यान रखें। अगर आप 10 करोड़ की टैक्स ऑडिट लिमिट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस बेनिफिट को लेने से क्या फ़ायदा है? इस बेनिफिट को लेने से सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि जो आपकी ऑडिट कॉस्ट है, जो आपकी ऑडिट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इस पूरे प्रोसेस में, जो एक एडिशनल कंप्लाइंस कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है इस पूरे प्रोसेस में, आप वो सेव कर सकते हैं, उससे आपकी सेविंग हो सकती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेक जेन्युइनिटी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, टैक्सी चोरी को रोकने के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए जो है हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट में 44AB के अंदर में ये टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है ये बढ़ा के 10 करोड़ की गई है। 10 करोड़ की जो लिमिट है उसके लिए आपको ये कंडीशंस जो है वो चेक करनी है कि आपके कैश पेमेंट जो है वो 5% ऑफ टोटल पेमेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपकी कैश रिसीट जो है वो भी 5% ऑफ टोटल रिसीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी 5% जो है ये आपको वॉल्यूम, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से देखना है या फिर अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन से देखना है? हाँ जी, जहाँ तक मेरी समझ जाती है सेक्शन को पढ़ने के बाद, 5% की जो लिमिट है ये आपको चेक करनी है बाय लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, नॉट बाय द वॉल्यूम और नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे जो आपको चेक करना है वो आपको अमाउंट चेक करना है।
अब यहाँ पे आप अमाउंट कैसे चेक करेंगे? हाँ जी, इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये लिमिट जो है वो कैसे चेक करनी है। एक आपके पास होगा कैश अकाउंट, इस कैश अकाउंट में आपके पास रिसीट्स हैं और पेमेंट्स हैं, इस रिसीट्स का टोटल ले लीजिए और पेमेंट्स का टोटल ले लीजिए। आपके पास एक तरफ है बैंक अकाउंट, हाँ जी, डिजिटल बैंकिंग चैनल जो कैश पेमेंट है, कैश पेमेंट इज़ ओनली फॉर कैश। अगर साहब बियरर चेक से भी आपने पेमेंट लिया है तो वो कैश पेमेंट की कैटेगरी में आएगा, राइट। और यहाँ पे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब है ट्रांजैक्शन बाय चेक, ट्रांजैक्शंस बाय डिमांड ड्राफ्ट, ट्रांजैक्शंस बाय एनी बैंकिंग पेमेंट ऑर्डर, ट्रांजैक्शंस बाय यूपीआई, ट्रांजैक्शंस बाय एनी वॉलेट विच इज़ कनेक्टेड टू योर बैंक अकाउंट। हाँ जी, तो इस तरीके से जो है आपको अपना जो हिसाब किताब है वो मेंटेन करना है। अगर आप 10 करोड़ की ऑडिट लिमिट का बेनिफिट जो है वो लेना चाहते हैं तो जो बैंक अकाउंट है वो भी आपका सेम रिसीट्स और पेमेंट फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा अपनी बुक्स में। इसका भी टोटल ले लें और इसका भी टोटल ले लें। तो यहाँ पे ये जो कैश पेमेंट है, ये इसकी रिसीट्स अगर आपको चेक करनी है तो इसका टोटल प्लस यहाँ पे बैंक की रिसीट्स का टोटल, ये वाला टोटल इन दोनों टोटल से 5% से एक्सीड नहीं होना चाहिए अगर आपको 10 करोड़ की लिमिट का बेनिफिट लेना है तो। सेम इज़ द केस विद द पेमेंट्स, इसका टोटल ले लीजिए और इसका टोटल ले लीजिए और इन दोनों का टोटल लगा के चेक कर लीजिए कि पेमेंट्स का जो टोटल है विद इन 5% आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बिजनेस की टोटल रिसीट्स 8 करोड़ रुपीज़ हैं तो 8 करोड़ का 5% होता है हमारे पास 40 लाख रुपीज़। तो आप जो रिसीट्स लेते हैं कैश में वो आप मैक्सिमम 40 लाख रुपीज़ तक ही ले सकते हैं। अगर आपकी टोटल रिसीट्स 8 करोड़ रुपीज़ है, टोटल रिसीट्स मींस टोटल रिसीट्स, कैश रिसीट्स एज वेल एज नॉन कैश रिसीट्स, राइट। तो आप 40 लाख रुपीज़ तक ही जो है वो कैश में रिसीट्स ले सकते हैं। अगर आपने 40 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की कैश रिसीट्स ली तो आप इस 10 करोड़ की लिमिट का बेनिफिट जो है वो नहीं ले पाएंगे। आपके ऊपर फिर जो लिमिट है वो एप्लीकेबल हो जाएगी 1 करोड़ की और आपको मैंडेटरीली जो है वो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, एक एडिशनल कंप्लायंस जो है वो आपके ऊपर आ जाएगी। हाँ जी, सेक्शन लाने का पर्पज़ है टैक्स की चोरी रोकना, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना, कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना, ये सारे जो हैं ये पर्पज़ हैं। और जो टैक्स पेयर है SSC है उनकी कंप्लायंस कॉस्ट को जो है वो सेव करवाना, जो कंप्लायंस कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ऑडिट में। तो ये था एक स्पेशल वीडियो ऑन अ वेरी स्पेशल सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 दैट टॉक्स अबाउट टैक्स ऑडिट लिमिट अंडर सेक्शन 44AB, द इन्हांस्ड लिमिट ऑफ द टैक्स ऑडिट दैट इज़ ₹10 crores। यहाँ पे एक चीज़ और जाते जाते आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक डिस्प्यूट रेज होता है कि सर एग्जाम्ड इनकम जो है वो क्या कंसिडर की जाएगी टैक्स ऑडिट की लिमिट को आइडेंटिफाई करते हुए? नहीं, कुछ केस लॉज ऐसे हैं, अगर आप स्पेसिफिकली केस लॉज पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको केस लॉज भी बता दूंगा। कुछ ऐसे केस लॉज हैं हमारे पास कोर्ट्स के जो साफ ये कहते हैं कि कोई भी इनकम जो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 टू सेक्शन 13A, वो इनकम जो है वो आपको कंसिडर नहीं करनी है टैक्स ऑडिट की लिमिट को जो है वो चेक करने के लिए। तो ये था हमारा एक स्पेशल वीडियो ऑन सेक्शन 44AB अबाउट इन्हांस्ड टैक्स ऑडिट लिमिट ऑफ ₹10 crores। अगर इस सेक्शन से रिलेटेड या फिर किसी भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।